हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आप ये जानते हैं कि इलॉन मस्क, जिसे स्पेस का एस भी नहीं आता था, जिसने सिर्फ फिजिक्स और इकोनॉमी में अपनी डिग्री ली थी, उसने स्पेस एक्सप्लोरेशन की 74 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री ही खड़ी कर दी। ये इंडस्ट्री खड़ी कैसे की? आज तक स्पेस में स्पेस कैप्सूल भेज के वापस लाने वाली सिर्फ चार ही स्पेस एजेंसीज मौजूद है, और वो है बड़े बड़े देशों की, जैसे यूएस, रशिया, चाइना, और चौथी वाली है एक प्राइवेट कंपनी, यस स्पेसएक्स। टॉप थ्री गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला स्पेसएक्स इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने ये करके दिखाया है। पर एक प्राइवेट कंपनी 20 साल से भी कम समय में ये कैसे अचीव कर पाई? और इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी नील आर्मस्ट्रांग, जो चांद पर कदम रखने वाले पहले शख्स होने के साथ साथ इलॉन मस्क के आइडल भी थे, वो ही आखिर स्पेसएक्स के खिलाफ क्यों खड़े थे? क्यों वो हमेशा से ये कहते थे कि स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के हाथों में नहीं देना चाहिए? क्या स्पेसएक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन की आड़ में कुछ और ही हासिल करना चाह रहा है, जिसकी भनक नील आर्मस्ट्रांग को पहले से ही पड़ चुकी थी? वेल, इन्हीं सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड द राइज ऑफ स्पेसएक्स, इलॉन मस्क इंजीनियरिंग मास्टरपीस। सो फ्रेंड्स, इलॉन मस्क हमेशा से एक विजनरी रहे हैं और अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि उन्होंने 1995 में Zip2 के नाम पे एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल बनाया था, जो उस समय तो थोड़ा सा इररिलेवेंट था, पर 10 साल बाद स्मार्टफोन्स के कॉमन होने के बाद बहुत काम आने वाला था। सिमिलरली, इन 1999 उन्होंने एक दूसरी कंपनी शुरू की जिसका नाम था X.com। और नहीं, ये वो टाइप की कंपनी नहीं थी, असल में ये एक फाइनेंस कंपनी थी जिसे आज आप PayPal के नाम से बेहतर जानते हो। ये कंपनी ऑनलाइन बैंक इंस्टॉलमेंट्स भरने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी। अब फ्रेंड्स, क्या आप यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो? 1995 से हमें ये पैटर्न दिखाई देता है कि जैसे इलॉन मस्क को फ्यूचर का पहले से ही पता चल जाता है। और अगर आज के तारीख में आप उनके बिहेवियर पे क्लोज वॉच रखोगे, तो वो और उनकी कंपनी क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो क्या ये एक संकेत हो सकता है कि वो फ्यूचर में अब से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, ताकि आगे जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तब वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं? एंड ऑफ कोर्स, वो इस टेक्नोलॉजी में बिलीव भी करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आगे कॉइन्स और नोट्स, जो ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम है, उसे रिप्लेस करके क्रिप्टो करेंसी आ सकती है जो ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। इनफैक्ट उन्होंने ये तक बोल दिया है कि मार्स पर अगर वो कॉलोनाइज करने वाले सबसे पहले इंसान होंगे, तो वो वहां की करेंसी भी क्रिप्टो करेंसी पर ही बेस्ड रखेंगे। और फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होगा कि क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए किसी मिंट की जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं है, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही लिमिटेड है। जैसे बिटकॉइन की अगर हम बात करें, तो सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस पूरे दुनिया भर में आज मौजूद है, और उनकी क्वांटिटी हमेशा सेम ही रहने वाली है। तो इमेजिन करो, अगर मार्स पे ये क्रिप्टो करेंसी आ जाता है, तो उसकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, और एज अ रिजल्ट इसकी वैल्यू कितनी हाई हो जाएगी। और इसीलिए अभी से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही वायबल ऑप्शन बन जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पे ट्रस्ट करता हूं, वो है CoinSwitch कुबेर एप्लीकेशन। यहां पर सिर्फ आपको बिटकॉइंस ही नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा लीगल क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक क्रिप्टो करेंसी पूरा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो उसका एक पार्ट खरीद के। अब क्रिप्टो करेंसी परचेस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट CoinSwitch कुबेर ऐप में आप इतना इजीली से परचेस कर सकते हो, जैसे कि आप रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर रहे हो। और साथ ही में इस ऐप में KYC भी होता है, जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही होता है। और फ्रेंड्स, अभी तो एक वंडरफुल ऑफर भी चल रहा है, अगर आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हो, तो आपको 50 रुपीस का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलता है, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आप कंपनीज में क्रिप्टो करेंसीज में नॉलेज हासिल करोगे, तो आप धीरे धीरे करके और पैसे इन्वेस्ट करना भी शुरू कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट कि हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे कंपनी होती है, और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, और फ्यूचर में उनका क्या रोल होगा, ये सब आपको पहले से आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड CoinSwitch कुबेर ऐप नाउ। तो चलिए अब वापस आते हैं स्पेसएक्स की ओर। अब फ्रेंड्स, किसी कंपनी को खोलना अलग होता है और उसे चलाना अलग होता है। इलॉन मस्क फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में तो मास्टर थे, पर स्पेस एक्सप्लोरेशन तो एक अलग ही गेम था। यहाँ पर अगर गिरे तो संभलने के चांसेस बस नसीब वालों को ही मिलते हैं, ये बात मस्क भली भांति जानते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना काम इजी करा जाए, और रशिया से सस्ते में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि ICBM खरीद के उनसे स्पेस रॉकेट्स बनाए जाए। उसके बाद मस्क ने 3 से 4 बार कोशिशें की कि वो रशियंस को कन्विंस करे, ताकि वो उन्हें सस्ते में बजट में मिसाइल्स खरीदने दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
रशिया अपने बजट से जरा भी नहीं हिला और मस्क को मिसाइल्स नहीं मिले। अब करे तो क्या करे, मस्क का स्पेसएक्स बनाने का मेन मकसद तो यही था कि वो मार्स पर सेटलमेंट बनाना चाहते थे बट बाय यूजिंग अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। पर रॉकेट्स ही इतने महंगे पड़ रहे थे कि भाई ये सपना तो टूटते हुए नजर आ रहा था, और इसीलिए ये सोचते हुए उन्होंने स्टार्ट किया बुक्स पढ़ना, क्योंकि विद नॉलेज कम्स आइडियाज और आइडियाज आते ही कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, जो कि हुआ भी। पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि एक्चुअल स्पेस रॉकेट बनाना तो मिसाइल्स खरीदने से भी ज्यादा सस्ता है और आसान भी, और बस सस्ता आई मीन एटलीस्ट 10 times ज्यादा सस्ता। और इसीलिए चलो फिर खुद के रॉकेट्स खुद बनाना शुरू करें, यही चीज मस्क को सिर्फ दिखाई दे रही थी। पर अब रॉकेट्स बनाने के लिए साइंटिस्ट और स्किल्ड वर्कर्स लगेंगे, सो वो कहां से लाया जाए? इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मस्क भाई पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने सीधा बड़ी बड़ी एरोस्पेस कंपनीज में जो टॉप पोजिशन में काम कर रहे थे ना, उन लोगों को किया, उन्हें SpaceX ज्वाइन करने के लिए कहा। जैसे फॉर एग्जांपल टॉम म्यूलर, जो उस वक्त की एक बड़ी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी TRW इनकॉर्पोरेशन में एक रॉकेट डिजाइनर थे, और ऐसा करना काफी जरूरी भी था क्योंकि SpaceX एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे गवर्नमेंट की स्टेबल बैकिंग नहीं थी, यानी अगर फेल हुई तो कंपनी बंद, और वो इसीलिए चाहते थे कि गलतियां हो मगर कम हो। अब टीम इकट्ठा होते ही उन सब ने मिलके सबसे पहला रॉकेट फाल्कन 1 रेडी किया 2006 में, लेकिन अफसोस लॉन्च के टाइम में वही हुआ जिसका डर था। मार्च 2006 में जब फाल्कन 1 को लॉन्च किया गया, तब बस 1 minute से भी कम समय में रॉकेट में फ्यूल लीकेज के कारण वो घूमते हुए क्रैश कर गया। पर क्या उस रॉकेट में सिर्फ सही में फ्यूल लीकेज का ही प्रॉब्लम था? क्योंकि SpaceX का ये सिर्फ इकलौता फेलियर नहीं था, इसके बाद के दो लॉन्च जो मार्च 2007 और अगस्त 2008 में किए गए थे वो भी बूम फट गए थे, और 3 लगातार फेलियर्स के बाद SpaceX पर अब से इन्वेस्टर्स का विश्वास धीरे धीरे जगमगाने लग रहा था, और मस्क इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे से जानते थे। अकॉर्डिंग टू हिम 2008 में वो ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के वर्ज पर थे क्योंकि SpaceX फेल हो रहा था, टेस्ला घाटे में चल रहा था, ग्लोबल रिसेशन की मार अलग से पड़ रही थी, और ऊपर से उसी साल उनका डाइवोर्स भी हुआ था, यानी लिटरली वो फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट में मार झेल रहे थे। पर उनके पास अब एक चांस बाकी था बैंक्रप्सी आने के पहले, और मस्क इस गैम्बल को खेलना चाहते थे। वो इस गिल्ट में नहीं रहना चाहते थे कि मौका होने के बावजूद भी उन्होंने ट्राई नहीं किया, और बस इस बार उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस वाली लाइफलाइन थी जिसमें नासा के एक्सीडेंट रिव्यू बोर्ड ने SpaceX के प्रीवियस रॉकेट फेलियर्स का रिव्यू किया था और रॉकेट को अच्छा बनाने के लिए कुछ सजेशंस दिए थे। और फिर आया वो दिन जो मस्क की जिंदगी बदल के रखने वाला था, September 2008 फाल्कन 1 का 4th लॉन्च, और हुश वो सक्सेसफुल रहा, पूरी टीम खुश थी। फाल्कन 1 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद सब तालियां तो बजा रहे थे, पर SpaceX को ज्यादा जरूरत फाइनेंस की थी ताकि वो अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सके, और तभी एलन मस्क की जिंदगी में नासा मसीहा बन के आया और उन्होंने SpaceX को $1.5 billion का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जैसे कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, बस ये अवार्ड मस्क के लाइफ का वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के बाद बाकी इन्वेस्टर्स को भी भरोसा होने लगा था कि रॉकेट का ऊपर उठना SpaceX के ऊपर उठने के पोटेंशियल को दर्शा रहा है, और सबने इन्वेस्ट करना फिर शुरू कर दिया। ये सब होते ही मस्क को फाइनली अब अपना मार्स पर सेटलमेंट बनाने का सपना पूरा होते हुए दिख रहा था। पर नासा का प्राइवेट स्पेस एजेंसीज में हेविली इन्वेस्ट करना कुछ नासा के फॉर्मर ऑफिशियल्स को मानो ना गवारा था, और इनमें से सबसे फोरफ्रंट पर थे चांद पर पहले कदम रखने वाले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और चांद पर आखिरी कदम रखने वाले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जीन सरनैन। इनका कहना था कि प्राइवेट कंपनीज ओवरसीज भी डील करती है और इसीलिए किसी देश को एज सच रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो प्राइवेट कंपनीज को फंड करके नासा खुद को और USA को इस ग्लोबल स्पेस रेस से बाहर कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सारे सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं ना। वेल फ्रेंड्स, इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की दलीलें सुनकर मस्क ऑलमोस्ट रोने के कगार पर आ चुके थे, क्योंकि इवन इफ उनके स्टेटमेंट से SpaceX को खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर एलन मस्क इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स को अपने गुरु मानते थे और उन्हें हमेशा अपने साथ खड़ा महसूस करते थे, बट वास्तविकता ने उन्हें कुछ और ही रूप दिखा दिया। वैसे तो नासा एंड SpaceX के बिजनेस रिलेशंस पर इस पूरे कंट्रोवर्सी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर SpaceX अब इन छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं था।
अगेन एक ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट जो उस समय तो थोड़ा सा इररिलेवेंट था पर आज बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस समय ओवरसीज पेमेंट के लिए कोई प्राइवेट कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, क्योंकि उस समय ओवरसीज पेमेंट ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं था जितना पेपैल ने बना दिया। 2002 में मस्क ने पेपैल को ईबे को बेचा $1.5 बिलियन में, जिसमें से उनके पास पर्सनली सिर्फ $180 मिलियन ही आए और बाकी सब दूसरे स्टेक होल्डर्स में बट गए। पर मस्क शायद इकलौते ऐसे एंटरप्रेन्योर होंगे जिन्होंने अपने पर्सनल फंड्स को इन्वेस्ट करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं की। पैसे आते ही उन्होंने इमीडिएटली अपने पर्सनल फंड्स में से $100 मिलियन स्पेसएक्स को बनाने में यूज किए और बचे हुए फंड्स टेस्ला मोटर्स को बनाने में। और इसी तरह 2002 में स्पेसएक्स का जन्म हुआ, जहां इन डेमो 1 मिशन स्पेसएक्स को 3 पैरामीटर्स पर खड़ा उतरना था। पहला, फाल्कन 9 को एक हल्के पेलोड से भरे स्पेस कैप्सूल क्रू ड्रैगन को लॉन्च करना था, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में सेट करना था और वापस सही सलामत आके सॉफ्टली लैंड करवाना था। दूसरा, अगर किसी कारण से रॉकेट में ब्लास्ट हो जाता है तो क्रू ड्रैगन कैप्सूल उससे इमीडिएटली इजेक्ट हो जाना चाहिए ताकि वो सेफ रहे। और तीसरा, कैप्सूल ऑर्बिट में सेट होने के बाद वो ISS पर सक्सेसफुली डॉक हो जाना चाहिए और 5 दिन अटैच रहने के बाद उसे अर्थ पर डिसाइडेड लोकेशन पर पैराशूट की मदद से स्प्लैश डाउन करना था। मस्क को ये मंजूर था और डेमो 1 का लॉन्च डेट नजदीक आ रहा था और मस्क के साथ साथ स्पेसएक्स की पूरी टीम इस कदर टेंस थी जैसे UPSC का टेस्ट देने वाली हो। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग वेंट ग्रेट एंड 2 मार्च 2019 को स्टार्ट हुआ ये डेमो मिशन 8 मार्च को सक्सेसफुली खत्म हुआ बिना किसी अनहोनी के। नासा के साथ साथ पूरी दुनिया को ये पता चल गया था कि स्पेसएक्स अब हाई टेबल पर बैठ चुका है, पर अभी भी डेमो नंबर 2 बाकी था। ये स्पेसएक्स नहीं भूला था, उन्हें पता था कि डेमो 2 में भी उन्हें सेम ही चीज करनी है, पर साथ ही ये भी पता था कि इस बार उन्हें किसी पेलोड को लेके नहीं बल्कि इंसानों को लेकर उड़ना होगा। पूरी टीम हर एक चीज की 3 से 4 बार जांच पड़ताल कर रही थी ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए और फाइनली 30th मई 2020 को डेमो नंबर 2 रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसने कैप्सूल में मौजूद नासा के दोनों एस्ट्रोनॉट्स बॉब बेनकिन और डग हर्ली को सक्सेसफुली ISS पर पहुंचा दिया। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स कुछ महीने तक वहां पर रहे और सेम कैप्सूल की मदद से 2 अगस्त को वापस अर्थ पर लौट आए एंड डन। स्पेसएक्स अपने दोनों ही डेमो मिशंस में फर्स्ट क्लास से पास हुआ और उसे अवार्ड के तौर पे मिले नासा के मैंड मिशंस के कॉन्ट्रैक्ट्स। आज फ्रेंड्स स्पेसएक्स एक सक्सेसफुल स्पेस कंपनी है जो अपने मार्स कॉलोनाइजेशन ड्रीम को पूरा करने के लिए एक स्टारशिप नाम के एक हेवी ड्यूटी रॉकेट के ऊपर काम कर रहा है। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि नासा अमेरिका की ऑफिशियल स्पेस एजेंसी है और सभी स्पेस एजेंसी से बहुत आगे है, पर वो पैसे बचाने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स देती है और इस वजह से कई अमेरिकन सिटीजन्स को ये लगता है कि नासा अपने आप को ग्लोबल कॉम्पिटिशन से बाहर कर रही है। पर एक तरफ देश का नाम बड़ा करना भी जरूरी है और दूसरी तरफ पैसे बचाना भी जरूरी है। सो यहाँ पर ओपिनियंस और व्यूज डिवाइडेड है, आप किस व्यू को सपोर्ट करना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि नासा सही है कि अमेरिका के सिटीजन सही है एंड ऑफ कोर्स एस्ट्रोनॉट्स लाइक नील आर्मस्ट्रांग सही है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और हाँ फ्रेंड्स, इलॉन मस्क के फ्यूचर प्रेडिक्शन पर अगर आप बिलीव करते हो तो अभी से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चालू कर दो। रजिस्टर विद कॉइन स्विच कुबेर एंड गेट 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट बाय साइंस को भी सब्सक्राइब कर लो और इसी तरह अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहो। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।